नमस्कार, papamagician.com में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की प्रसिद्ध मिठाई घेवर। घेवर बनाना आसान काम नहीं है, सब जानते हैं, क्योंकि उसमें जो उसका बैटर बनता है वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही मेहनत लगा के बैटर बनाया जाता है। पर आज हम ऐसी विधि आपको बताएंगे जिसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी और घेवर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी आएगी। एक अच्छे घेवर की क्वालिटी में उसमें अच्छा हनीकॉम जैसा उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा, उसका जो कलर है वो ब्राउनिश कलर होना चाहिए। आइए, एक अच्छे हलवाई के हैं जो घेवर बनते हैं वो विधि हम आपको बताते हैं। कुछ घेवर को हम रबड़ी के घेवर बना के बताएंगे। रबड़ी कैसे बनाई जाती है वो हमारे YouTube पापा मी किचन पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसका कुछ पार्ट आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर भी डाला है, आप उसको देख के बना सकते हैं। ब्रेड से रबड़ी बनाने के लिए हमें होल मिल्क की जरूरत है। काऊ मिल्क से हम होल मिल्क बनाएंगे। उसके लिए हम पहले आधा कप मिल्क पाउडर लेते हैं और इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इसको अपन साइड में रख देते हैं। अभी एक मिक्सी का जार लिया है और इसमें हम आधा लीटर दूध ट्रांसफर कर देते हैं। इस काऊ मिल्क में मिल्क पाउडर है वो डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर देते हैं। अच्छा, एकदम गाढ़ा होल मिल्क बन गया है। ब्रेड क्रम बनाने के लिए हमने व्हाइट ब्रेड की 6 स्लाइस ली हैं। इस तरह से हमने स्लाइस की चारों एजेस काट के निकाल दी है और अब इनको काट के एक मिक्सी के जार में डाल देते हैं। आप देख सकते हैं एकदम फाइन पाउडर हो गया है। ब्रेड क्रम सेकने के लिए पैन में 1 टेबल स्पून घी ले लेते हैं। गैस को ऑन कर देते हैं। घी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब ये ब्रेड क्रम इसमें ट्रांसफर कर देते हैं और कंटिन्यूसली इसको हिलाते हैं। अच्छा, अब ये फ्रेंड्स अच्छी तरह से सीख गया है, इसको एक बॉल में ट्रांसफर कर देते हैं। रबड़ी बनाने के लिए जो हमने होल मिल्क बनाया था वो भी इस पैन में ट्रांसफर कर देते हैं और गैस को तेज आंच में रख देते हैं। इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे। दूध में बॉयल आ गया है। अभी इसमें 1 चिमटी केसर डाल देते हैं। इसमें 1/4 चम्मच हरी इलायची पाउडर डाल देते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें कटी हुई बादाम डाल देते हैं। अब दूध में 1/4 कप शक्कर डाल देते हैं। अभी इस स्टेज में जो अपन ने ब्रेड क्रम बनाए हैं इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। अब बची हुई सारी ब्रेड क्रम डाल देते हैं। तो जो अपन ने 6 स्लाइस की ब्रेड क्रम बनाई थी वो सब इसमें डाल दिए। अब इसको अच्छी तरह से उबाल देते हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून पिस्ता डाल देते हैं। गैस को अभी बंद कर देते हैं। रबड़ी अब सर्व करने के लिए तैयार है। इसको ठंडा या गर्म दोनों तरह से हम सर्व कर सकते हैं। तो आपने देखा ब्रेड से रबड़ी कैसे कितनी आसान तरीके से बनाई जा सकती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं घेवर और कुछ रबड़ी के घेवर। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले घेवर का बैटर बनाते हैं। बैटर बनाने के लिए हमें एक मिक्सी के जार में 1/3 कप घी लेते हैं। अभी इसमें 8 बर्फ के क्यूब है वो डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से फेंटते हैं। घी और बर्फ को फेंट लिया है, आप देख सकते हैं एकदम क्रीमी बन गया है घी। अभी इसमें 1/2 कप थोड़ा दही डाल देते हैं। दही भी एकदम हमने ठंडा लिया है, दही एकदम आइस कोल्ड दही लिया है एकदम। इसको बीच में थोड़ा खोल के देख लेते हैं। इसमें घी को तो जो साइड में चिप गए उसको निकाल के बीच में लेते हैं ताकि बाद में इसका एक अच्छा पेस्ट बन जाए। और इसको अभी 5 मिनट तक इसको फेंटेंगे। 5 मिनट फेंटने से ये एकदम घी और दही और पानी एकदम मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं घी और दही एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और एकदम क्रीम हो गया है। अब इस स्टेज में इसमें थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी और मैदा डालते हैं। टोटल मैदा इसमें हम 1 कप मैदा डालेंगे और करीब करीब 1/2 लीटर पानी डालेंगे। ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। आधा अभी डाल देते हैं, आधा थोड़ी देर बाद में डालेंगे और इसके साथ ही इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं। ये पानी एकदम चिल्ड वाटर है। अभी इसको हम अच्छी तरह से एक बार मिक्स करते हैं, उसके बाद में बचा हुआ मैदा इसमें मिक्स करेंगे। अभी बचा हुआ मैदा और पानी मिक्स कर देते हैं। पानी करीब इसमें हम 400 मिलीलीटर पानी डालते हैं क्योंकि हमने 6-7 आइस क्यूब डाले थे। टोटल मिला के 1/2 लीटर पानी हो जाता है। अभी इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। अभी हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। इसको बनने में करीब 5 मिनट लगे हैं और इसको हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी।
ट्रेडिशनली ये पेस्ट हाथ से बनाया जाता है, ये बैटर हाथ से बनाया जाता है। हाथ से बनाने में, इसको बैटर को बनाने में कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं। यही काम हमने मिक्सी में 5 मिनट के अंदर कर लिया है। अब अगर आपको इस बैटर को स्टोर करना है तो इसको फ्रिज में स्टोर करें, इसको खुले में रख दोगे तो ये खराब हो जाएगा। आइए अभी अपन घेवर बनाना शुरू करते हैं। घेवर बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, घेवर बनाने के लिए बर्तन आप किस तरह का यूज करें। आप इस तरह की एक भगोली ले सकते हैं या भगोना ले सकते हैं जिसमें अंदर से डीप हो और प्लेन हो, ये आप ले सकते हैं। पर अगर कोई ऐसा बर्तन है जो डीप तो है लेकिन ऊपर का मुंह छोटा है, अंदर में बड़ा है, इस केस में घेवर बन तो जाएगा अंदर लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए इस तरह का बर्तन आप नहीं लें। दूसरा, जब ये घेवर बनाते हैं तो जो भी बर्तन लें उसका जो थिकनेस है वो ज़्यादा होना चाहिए। नीचे पैंदे का भी थिकनेस ज़्यादा होना चाहिए और साइड का भी थिकनेस ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए ये जो कुकर है, कुकर वो आइडियल है। कुकर काफ़ी डीप है, आप देख सकते हैं बहुत डीप है। ये डेप्थ लेने का दो फायदा होगा कि इसकी एक तो वाल थिकनेस ज्यादा है इसलिए इसमें घेवर अच्छा बनेगा, दूसरा इसमें आधा लेवल तक अपन घी भर देंगे तो घी का जो लेवल होगा काफी ज्यादा होगा, घी का वॉल्यूम होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इसमें घी का वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, अपन थोड़ा सा घी में फ्राई नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम जब ये फ्राई होता है तो घी बहुत उछलता है, घी फ्राई होके बहुत उछल के बाहर आने की कोशिश करता है, तो ये जो इसकी हाइट ज्यादा होने से घी बाहर स्पिल आउट नहीं होगा। तो आप जब भी कोई बर्तन चूज करें तो इस टाइप का बर्तन चूज करें। तीसरी बात है, जिस डायमीटर का आपको घेवर बनाना हो उस साइज का बर्तन आपको लेना पड़ेगा। घेवर बनाने के लिए घी इसमें ट्रांसफर करते हैं, गैस को ऑन कर देते हैं। जब तक घी गर्म हो रहा है हम आपको बता दें बैटर को कैसे हैंडल करें। जो घेवर का बैटर है इस सॉस की बोतल में डाल के भी यूज कर सकते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है उसमें भी डाल के यूज कर सकते हैं। इसकी बोतल थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, और अगर ये दूध की थैली है आपके पास तो दूध की थैली को भी आप यूज कर सकते हैं। दूध की थैली के एक कॉर्नर पर आपको छोटा सा होल करना पड़ेगा, दूध की बोतल के लिए आपको इस ढक्कन के ऊपर होल करना पड़ेगा, हमने किया हुआ है, आप देख सकते हैं एक छोटा सा होल किया हुआ है। ये होल आप कोई भी तार या कील को गर्म करके इसका होल बनाया जा सकता है। इस बोतल को आप बैटर पोर करने के लिए यूज कर सकते हैं, पर अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप इस तरह की एक सॉस की बोतल लें और उसके अंदर आप घेवर का बैटर भरें और उसको यूज करें, क्योंकि इसके अंदर में जो होल है वो काफ़ी अच्छा है और ये हैंडल करने में आसानी होती है। इस तरह से पूरी बोतल भर दी है, अभी इसका कवर लगा देते हैं। घेवर बनाने से पहले हम आपको बता दें कि एक प्लेट, खाली प्लेट ले लीजिए, उसके ऊपर एक जाली रख दीजिए इस तरह की। अब जब घेवर बनेगा इस जाली में रखेंगे तो घेवर में जो एक्सेस ऑयल होगा, घी होगा, वो झर के प्लेट में आ जाएगा। और घेवर को हैंडल करने के लिए इस तरह से एक लंबी रॉड अपन यूज करेंगे। घी गर्म हो गया है, इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं कैसा बना है। आप देख सकते हैं एकदम अच्छा फ्राई होने लग गया है इसमें। इस स्टेज में अभी अपन घेवर बनाना शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसमें अभी बैटर डालेंगे। बीच में ऐसे होल करते रहें और बीच बीच में इस पोर करते रहें, जैसे ही बबल कम पड़े बीच में पोर कर दें। इस तरह से आप देख सकते हैं हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर आया और घेवर बनके बहुत अच्छा तैयार हुआ है। अब इसको जारने के लिए रख देते हैं। हमारे सब घेवर बनके तैयार हो गए हैं, 4 घेवर बने हैं और आपने देखा हमने ये नेट में रखने के कारण घी जर गया है, जर के प्लेट में आ गया है। ये इस घी को हम वापस रीयूज कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम शक्कर की चाशनी लगाएंगे और रबड़ी लगाएंगे। घेवर को मीठा करने के लिए चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हम 1 कप शक्कर पैन में लेते हैं और 1 तार की चाशनी बनानी है इसलिए इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और गैस को फुल आंच पे ऑन कर देते हैं। चाशनी में आप चाहें तो कोई खुशबू डाल सकते हैं और कलर भी डाल सकते हैं, पर हम कोई भी कलर वगैरह नहीं डालेंगे क्योंकि जो हमने घेवर बनाए हैं उसमें दही डाल के बनाए हैं इसलिए घेवर का कलर ही ब्राउन कलर का आया है, बहुत अच्छा खिलमा कलर आया है। चाशनी अच्छी बॉयल होने लग गई है, अब इसको 3 मिनट तक पका लेते हैं। 2-3 मिनट का पका लेंगे तो ये 1 तार की बन जाएगी।
एक तार की चाशनी बन गई है, अभी गैस को हम बंद कर देते हैं और हल्का सा इसको ठंडा होने देते हैं। तब तक अपन एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसके अंदर एक ऐसी जाली रखेंगे, जाली के ऊपर में ये घेवर को जमा के रखेंगे। इस तरह से चारों घेवर हमने इसके ऊपर रख दिया है और अभी चाशनी में इसको डुबाएंगे नहीं, डुबाने से ये ईले पड़ जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, इसलिए इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चाशनी है वो ऊपर से ही डालेंगे। ये चाशनी नीचे तक जा रही है और सब घेवर मीठे हो रहे हैं। आप चाहें तो घेवर को रीसफल कर सकते हैं, नीचे वाले घेवर को ऊपर ला सकते हैं, ऊपर वाले घेवर को नीचे ले जा सकते हैं। अगर आपको इमीडिएटली इनको कंज्यूम नहीं करना है तो आप इसको बिना चाशनी पिलाई इसको स्टोर कर सकते हैं और ये 6 महीने भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से सबके ऊपर चाशनी लग गई है, जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे तक चली जाएगी। अभी ये एक घेवर लिया है, एक घेवर के ऊपर हम रबड़ी लगा के बताते हैं आपको। एक बार रबड़ी लगने के बाद में इनकी सेल्फ लाइफ 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रहती, फ्रिज में रखे तो 2-3 दिन रहती है, नहीं तो इससे भी कम रहती है। इसलिए जब आपको सर्व करना है उसी समय रबड़ी से इनको लगाएं, और जिनको रबड़ी लगानी है उसके ऊपर शक्कर की चाशनी कम लगाएं। अब सब जगह रबड़ी यूनिफॉर्मली लगाती है, अभी इसको पिस्ता से गार्निशिंग कर देते हैं और थोड़ी सी इस पर इलायची भी डाल देते हैं, थोड़ी सी केसर की पंखुड़ियाँ इसके ऊपर लगा देते हैं। इस तरह से ये रबड़ी के घेवर सर्व करने के लिए तैयार हैं। घेवर और रबड़ी के घेवर बनके तैयार है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। इनका जो स्ट्रक्चर आया है एकदम हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर आया है, इनका कलर भी एकदम ब्राउन कलर का आया है। इसका ब्राउन कलर आने का मेन कारण, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इसमें दूध डाला जाता है या दही डाला जाता है, हमने इसमें दूध की जगह दही डाला है। दही डालने से इसका स्वाद और भी अच्छा आया है और इसका जो हमने बैटर बनाया वो हमने मिक्सी यूज करके बनाया। मिक्सी में सारा ये बैटर बनने में सिर्फ 5 मिनट लगे। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप भी इसे अपने घर में ट्राई करें और आपके घर में कैसे बनी वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो नीचे दिए गए लाइक बटन को आप क्लिक करें, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी करें, लेकिन रिएक्शन जरूर दें। हमें भी बहुत खुशी होगी आपके रिएक्शन से। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।